शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं सुचि स्वागत करती हूँ आप लोगों को जब भी सुचि स्पिरिचुअल चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन तो थोड़ा सा 20 के बाद, कल के बाद थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो क्या फील कर रहे हो आप लोग? हैप्पी हैप्पी? तो चलिए, आज हम जिस मंदिर को घूमने जाएंगे उसको मतलब बोलने की उसकी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम आज जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। और भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो काशी का नाम नहीं सुना होगा। तो चलिए आज फिर काशी घूमते हैं, काशी विश्वनाथ की मंदिर देखते हैं, उसका क्या क्या महत्व है वो देखते हैं, फिर देखने के बाद बात करते हैं, ठीक है? जो है हिंदू रिचुअल्स का, मैं इसका लिंक दे दूंगी नीचे। इनका और भी वीडियो हम लोग देखे हैं, इन्हें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो मैं इनके डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगी, आप जाके उनको डायरेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को जाने से पहले मैं भी यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। विश्वेश्वर धाम यानी कि विश्वनाथ धाम, यह ज्योतिर्लिंग काशी शहर के मध्य में स्थित है, अतः काशी विश्वनाथ नाम से प्रख्यात है। काशी का आधुनिक नाम वाराणसी है। गंगा, वरुणा और असी जैसी पावन नदियों के बीच में बसी हुई वाराणसी नगरी भारत ही नहीं संसार के सभी प्राचीनतम नगरों में से एक है। बीच के काल में इसे बनारस के नाम से पुकारा जाता था। तीर्थ के रूप में वाराणसी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सदियों से भारतीयों के लिए आस्था, पवित्रता, ज्ञान और धर्म का केंद्र रहा है। गंगा के किनारे बने यहाँ की घाट सर्वत्र विख्यात है। प्रत्येक घाट का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ के होने से ही वाराणसी का महत्व नहीं है, बल्कि वाराणसी की गिनती सतपुरियों और त्रिस्थली में भी की जाती है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता, इसे स्वयं भगवान शिव त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल में पुनः नीचे उतार लेते हैं। इसे सृष्टि की आदि स्थली भी माना जाता है। अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई विश्वेश्वर की आराधना प्रसिद्ध है। कालांतर में इसके अनेक नाम रहे हैं, जैसे अभिमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाश्मशान, रुद्रावास, काशिका, तप स्थली, मुक्ति भूमि, शिवपुरी और त्रिपुरारी राजनगरी आदि। काशी संसार की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। ऋग्वेद के तृतीय और सप्तम मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास के अज्ञात युगों तक चली गई है, किंतु वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। आजकल यहाँ 3 विश्वनाथ मंदिर है। एक ज्ञानवापी में है, जिसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने किया था। सिख महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर स्वर्ण कलश चढ़वाया। दूसरा मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, जिसे उद्योगपति बिरला ने बनवाया है। तीसरा मीर घाट में है, जिसका निर्माण स्वामी करपात्री जी ने कराया था। काशी की एक संकरी गली में प्रवेश करने पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की पुनर्स्थापना शंकर के अवतार भगवान आगे शंकराचार्य ने स्वयं अपने कर कमलों से की थी। इस मंदिर की ध्वजा सोने की बनी हुई है और यह मंदिर बड़ा भव्य और सुंदर है। मंदिर का शिखर लगभग 60 फीट ऊंचा है। शिखर 2 तलों का है, पर इसकी कलाकारी में एक बड़ा शिखर और उसके नीचे क्रमशः छोटे होते गए अनेक शिखर हैं, जो मंदिर को एक भव्यता प्रदान करते हैं। शिखर के नीचे ही मुख्य शिवलिंग एक चौकोर स्थल के अंदर स्थित है, जहाँ यात्री दूध, जल, बेलपत्र, फूल आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के परिसर में भी अनेक मूर्तियां अवस्थित है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो?
देखे कितना अच्छा मंदिर, पूरा अच्छी तरह से इन्होंने दिखा दिए हैं। और शिव जी के काशी मंदिर तो सब जानते ही है, और जो कि वाराणसी भी बोला जाता है, और हर कोई यहाँ एक बार जाना चाहिए। बोला जाता है कि यहाँ जो मृत्यु वरण करते हैं उनके खुद शिव जी आके उनके कान में तारणहार मंत्र खुद सुनाते हैं, जिनकी वजह से वो इंसान का पूरा मतलब और फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। और इनकी दिन में 5 बार इनका आरती होता है, और हर दिन 2 बार शायद 2 बार इनको पंचामृत से नहलाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। इनका अभिषेक बहुत ज़्यादा लोग उसी को देखने जाते हैं, बहुत खूबसूरत बनता है, और शिव जी बहुत अच्छे लगते हैं उसमें। तो जिसके लिए जो भी शिव भक्त है वो जाना चाहते हैं उसी टाइम, दर्शन करना चाहते हैं उसी टाइम। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।